माइक्रोग्रीन एक ऐसा नाम है जो भी शहरी क्षेत्रों में ही ये जाना जाता है, बहुत लोग आदमी इसके बारे में नहीं जानते। तो आज हम माइक्रोग्रीन के बारे में जानेंगे, पांच मुख्य बिंदुओं के बारे में, जैसे कि माइक्रोग्रीन क्या है, इसे हम क्यों उपयोग करते हैं, इसे कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए तथा उद्यान के रूप में इसे हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो माइक्रोग्रीन पौधे की वह व्यवस्था है जिसमें कि उसे 7 से 21 दिन के अंदर अंदर लगा करके हम उपयोग में लाते हैं। इसमें कुछ ऐसी क्रॉप्स जिसको कि माइक्रोग्रीन में लेते हैं, जैसे कि मूंग है, मसूर है, उसके बाद आपकी सरसों है तथा अन्य कई तरीके की क्रॉप्स को भी ले सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स को क्यों लगाएं? माइक्रोग्रीन्स न्यूट्रिएंट्स से रिच है, इसमें पोषण एकदम भरपूर मात्रा में होता है, खास करके विटामिन, मिनरल्स तथा विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। माइक्रोग्रीन्स में पोषण उसके मैच्योर पार्ट की अवस्था में लगभग 7 से 40 महीने तक ज्यादा देखा गया है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि ब्रोकोली का माइक्रोग्रीन है, अगर हम उसे उपयोग में लाते हैं और साथ ही साथ अगर ब्रोकोली को उपयोग में लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा या पोषण की मात्रा कहीं ज्यादा होती है। पोषण के इसी महत्व के कारण माइक्रोग्रीन्स स्पेस फूड का हिस्सा बन चुका है। अब आते हैं कि माइक्रोग्रीन्स को कैसे लगाया जाए। माइक्रोग्रीन्स को लगाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जिसमें कि एक ग्रो मीडिया होगा, उसमें आप मिनरल या मिट्टी भी ले सकते हैं, अपने गार्डन के सॉइल भी ले सकते हैं। जो ग्रो मीडिया है उसमें प्रोपर्टी वर्मीकुलाइट और सैंड का 2:1 या 3:2 का मिक्सर उपयोग में लाते हैं। अगर उसको उपयोग में लाते हैं तो 7 से 10 दिनों तक आराम से उसमें नाशक रहता है और हम उसमें माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरी मिट्टी उपयोग में ला रहे हैं तो ध्यान दें कि उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। माइक्रोग्रीन विभिन्न प्रकार की ट्रे में लगाया सकता है। अगर एक छोटी 4 से 5 लोगों की फैमिली है तो एक छोटी ट्रे में लगा सकते हैं। अगर फैमिली बड़ी है तो हम बड़ी ट्रे में भी माइक्रोग्रीन को खरों में लगाने के लगा सकते हैं। अगर हम उद्यान के रूप में माइक्रोग्रीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक कोई रैक सिस्टम लेना पड़ेगा या फिर हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में माइक्रोग्रीन को लगा सकते हैं। जहां तक है उपयोग की बात, तो माइक्रोग्रीन का जो शुरुआत थी वो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से हुई और वहां के क्षेत्र में इसको सबसे पहले गार्निशिंग में सजावट के तौर पर उपयोग करना शुरू किया। बाद में देखा गया कि सजावट के साथ ही साथ इसमें ये काफी सारे पोषक तत्वों से भरपूर पाया गया। अभी हम माइक्रोग्रीन को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपयोग में आते हैं, जैसे कि पास्ता, पिज्जा, बर्गर के साथ ही साथ अगर हम इंडियन कुजीन की बात करें तो हम इसमें चटनी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ पापड़ी चाट या अन्य विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोग्रीन को कब लगाया जाए। माइक्रोग्रीन को हम कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोग्रीन को लगाने के लिए हमें एक छोटे से ट्रे की आवश्यकता है और उस ट्रे में हम माइक्रोग्रीन को लगा करके किसी भी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कि सनलाइट या सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पड़ती हो। इतना ही नहीं, माइक्रोग्रीन को हम अपने किचन के विंडो पर भी लगा सकते हैं या फिर हमारे ड्राइंग रूम में भी अगर लाइट काफी अच्छी मात्रा में है तो वहां भी इसको लगा करके उगाया जा सकता है। अगर उद्यान के रूप में माइक्रोग्रीन की बात करें तो अभी विश्व में सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है, लेकिन भारत में इसकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। इसको देखते हुए बहुत सारी कंपनियां और स्टार्टअप माइक्रोग्रीन के बिजनेस में आ रहे हैं। माइक्रोग्रीन को अभी तो आप शहरी क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से भी हमें मिल सकता है। माइक्रोग्रीन भारत में 2 मुख्य तरीके से उपलब्ध है। पहला, आप इससे फ्रेश ग्रीन के रूप में भी अपने घरों में लगा सकते हैं, कुछ बड़े मॉल्स में भी ये मिलता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की माइक्रोग्रीन किट है जो कि मार्केट में उपलब्ध है। इन किट्स को आप ऑनलाइन माध्यम से भी मंगा सकते हैं। इतना ही नहीं, उस संस्थान ने भी एक माइक्रोग्रीन किट का विकास किया है जिसका नाम टाइम फील्ड है और ये हमारे संस्थान से उपलब्ध है। माइक्रोग्रीन को लगाया तो कुछ सावधानी का हमें ख्याल रखना चाहिए। पहला है कि बीज कोशिश करें कि ट्रीटेड या कोटेड ना हो, क्योंकि माइक्रोग्रीन 7 से 10 दिनों में हम उपयोग करते हैं तो उसमें संभावना रहती है कि उसका रिजल्ट आ सकता है। दूसरा है मिट्टी। जो भी हम ग्रो मीडिया यूज करते हैं, या कोई मिट्टी रहते हैं या कोई गर्म कंपोस्ट रहते हैं, तो ध्यान दें कि उसमें किसी भी प्रकार का किसी फंगस या कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोग्रीन्स की भी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो है आपका पानी। जिस भी पानी का हम उपयोग करते हैं, जल में तो हम टैप वाटर या नल का पानी लेते हैं, कोशिश करें कि वो पानी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं। साथ ही साथ माइक्रोग्रीन को हम उसी जगह पर ग्रो करें जहां पर सन का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश काफी मात्रा में उपलब्ध। इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।